हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं उसूल अहबादी और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। टॉपिक बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आपको देखने समझ में आ रहा होगा। डिफरेंस बिटवीन आइदर ऑफ एंड वन ऑफ। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक ये है कि आइदर ऑफ में और वन ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही सिंपल वर्ड है आइदर ऑफ और वन ऑफ, लेकिन समझना है कि इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेकर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आइदर ऑफ कहाँ पर यूज़ करेंगे और वन ऑफ कहाँ पर यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। आइदर ऑफ, आइदर ऑफ का मतलब होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक। आइदर ऑफ का मतलब हुआ दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से कोई एक। तो जहां पर दो में से किसी एक की बात की जा रही होगी तो वहां पर मैं यूज करना है आइदर ऑफ का। जैसे इन दो किताबों में से कोई भी एक ले लो, तो टेक आइदर ऑफ दीज टू बुक्स। टेक आइदर ऑफ दीज टू बुक्स, या ये भी कह सकते हैं आइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज माइन। आइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज माइन, इन दो किताबों में से कोई एक मेरी है। तो फ्रेंड्स, जब दो में से किसी एक की बात करी जाएगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हम यूज करेंगे आइदर ऑफ का। दो में से कोई एक, याद रहे, दो में से कोई एक होगा तो आइदर ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर कई में से किसी एक की बात की जाए तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वन ऑफ का यूज करेंगे। तो वन ऑफ का मतलब क्या होता है, वन ऑफ का मतलब होता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक। वन ऑफ का मतलब होता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक। तो जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाएगी या वस्तुओं की बात की जाएगी तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, वहां पर हम वन ऑफ का यूज करेंगे। जैसे वन ऑफ हिज फोर सन्स इज मेजर। वन ऑफ हिज फोर सन्स इज मेजर, उसके चार बेटों में से एक मेजर है। अब यहां पर फ्रेंड्स, जब बात करी जा रही है तो यहां पर कितने सन्स हैं, यहां पर चार सन्स हैं। तो चार में से कोई एक मेजर है। अब जब दो से अधिक में से किसी एक की बात की जाएगी तो क्या यूज करेंगे, वन ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर दो में से किसी एक की बात की जाएगी तो वहां पर आइदर ऑफ का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। देखते फ्रेंड्स, एग्जांपल देखते हैं। आइदर ऑफ दीज टू बुक्स कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। आइदर ऑफ दीज टू बुक्स कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। एक सेंटेंस ये है, हम एक सेंटेंस और लिखते हैं यहां पर।
वन ऑफ दीज टू बुक्स कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। फ्रेंड्स हमने यहां पर दो एग्जांपल लिखा हुआ है, आइदर ऑफ दीज टू बुक्स कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम और वन ऑफ दीज टू बुक्स कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब यहां पर जब दो सेंटेंस जो लिखा हुआ है हमें वहां पर देखना है कि यहां पर हमने जो यूज किया हुआ है, एक में हमने यूज किया है आइदर ऑफ और एक में हमने यूज किया है वन ऑफ, कौन सा सही है, आइदर ऑफ वाला सही है या वन ऑफ वाला सही है। तो देखने वाली बात यह है कि आइदर ऑफ का यूज कहां पर होता है, दो में से कोई एक के लिए। जब दो में से किसी एक की बात होगी तो हम आइदर ऑफ का यूज करेंगे, और वन ऑफ का यूज कब करेंगे, दो से अधिक में से कोई एक। जब दो से अधिक में से किसी एक की बात होगी, दो से अधिक व्यक्तियों में से किसी एक की बात हो या दो से अधिक वस्तुओं में से किसी एक की बात हो, तो वहां पर वन ऑफ का यूज करते हैं। फ्रेंड्स अब यहां पर देखना है हमें आइदर ऑफ का यूज करने वाले सेंटेंस देखते हैं कि यहां पर आइदर ऑफ का यूज किया गया उस सेंटेंस को जब देखते हैं हम, तो आइदर ऑफ दीज टू बुक्स, बात यहां से क्लियर हो रही है कि बुक्स कितनी है, दो, दो में से कोई एक। जब बुक्स दो हैं तो दो में से कोई एक के लिए क्या यूज होता है, आइदर ऑफ का यूज होता है। लेकिन यहां पर देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में वन ऑफ का यूज कहां होता है, दो से अधिक में से कोई एक, और यहां बुक्स कितनी है, यहां पर बुक्स है दो। तो जब दो ही बुक्स हैं तो दो में से किसी एक के लिए क्या यूज करना है हमें, आइदर ऑफ का यूज करना है। और यहां पर हमने क्या यूज किया हुआ है, वन ऑफ का यूज किया हुआ है जो कि यूज होता है दो से अधिक में से किसी एक के लिए। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला है गलत और ये है सही। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझना होता है। यहां पर आइदर ऑफ और वन ऑफ में यही मेन डिफरेंस है। एग्जांपल और देख लेते हैं तो चीजें और क्लियर हो पाएंगी। देखते फ्रेंड्स यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। एक एग्जांपल हम ये लिखते हैं और एक एग्जांपल और लिखते हैं, वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। फ्रेंड्स यहां पर दो एग्जांपल हमारे सामने हैं, एक में आइदर ऑफ का यूज किया गया, एक में वन ऑफ का यूज किया गया। अभी हमने बताया था आपको कि आइदर ऑफ का यूज कहां होता है, ये होता है दो में से कोई एक के लिए। दो में से जब कोई एक की बात होगी तो आइदर ऑफ का यूज होगा। वन ऑफ का यूज कहां होता है, दो से अधिक में से कोई एक की जब बात होगी तो वन ऑफ का यूज होगा। अब यहां समझते हैं, आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। यहां पर कितनी बात हो रही है, कितने फ्रेंड्स की बात हो रही है, थ्री फ्रेंड्स की बात हो रही है। जब थ्री की बात होगी ये दो से अधिक हो गया, और दो से अधिक के लिए क्या यूज होता है, दो से अधिक के लिए वन ऑफ का यूज होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये गलत है, अर्थात ये जो पहला वाला सेंटेंस है ये गलत है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स, थ्री फ्रेंड्स की बात यहां भी हो रही है। जब थ्री फ्रेंड्स की बात हो रही मींस मोर देन टू है, दो से अधिक है। जब दो से अधिक है तो दो से अधिक में से किसी एक के लिए हम यूज करते हैं वन ऑफ का। तो यहां पर वन ऑफ जो यूज हुआ है ये सही है, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान देना होता है सिर्फ,
तो फ्रेंड्स इस तरह से हम बता सकते हैं आसानी से कि कहां पर आइदर ऑफ का यूज़ करना है और कहां पर वन ऑफ का यूज़ करना है। आइदर ऑफ का यूज़ कहां करना है, जब दो में से किसी एक की बात हो रही हो तो आइदर ऑफ का यूज़ करेंगे, और जब दो से अधिक में से तीन हो, चार हो, पांच हो, मीन्स दो से ज़्यादा होना चाहिए, तो जब दो से अधिक में से किसी एक की बात हो रही हो तो दो से अधिक में से चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, तो दो से अधिक में से किसी एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वन ऑफ। अब फ्रेंड्स आपको इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना, वो क्या है आइए देख लेते हैं। वन ऑफ जो होता है, वन ऑफ के साथ एक और वर्ड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वन ऑफ के स्थान पर, और आपको वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं वन ऑफ के स्थान पर। फ्रेंड्स तो हम अभी बात कर रहे थे वन ऑफ की, वन ऑफ का प्रयोग होता है दो से अधिक में से कोई एक के लिए, दो से अधिक चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, तो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के लिए हम यूज़ करते हैं वन ऑफ का। और ऐसे ही वन ऑफ का एक सिमिलर वर्ड है जिसका प्रयोग हम वन ऑफ के स्थान पर करते हैं, वन ऑफ के सिमिलर ही एक दूसरा चीज़ है उसे बोलते हैं एनी ऑफ। हाँ फ्रेंड्स, वन ऑफ का मतलब होता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक, वैसे ही होता है एनी ऑफ, इसका भी मतलब होता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक। तो फ्रेंड्स अगर दो से अधिक व्यक्ति हों या दो से अधिक वस्तु हों तो उनके लिए, उनमें से किसी एक की जब बात आ रही हो तो वहाँ पर हम चाहे तो वन ऑफ का यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो हम एनी ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स दोनों में से कोई एक का यूज़ किया जा सकता है और दोनों ही सही होगा। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। मैं एग्जांपल थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा कि वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज रॉन्ग। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज रॉन्ग, इन तीन फ्रेंड्स में से, इन तीन दोस्तों में से कोई एक गलत है। तो अब यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है वन ऑफ का, क्यों, क्योंकि थ्री फ्रेंड्स की बात हो रही है, दो से अधिक लोग हैं, दो से अधिक व्यक्ति हैं और उनमें से किसी एक की बात हो रही है, तो वहाँ पर हमने वन ऑफ का यूज़ किया हुआ है। हमने आपको बताया कि वन ऑफ की जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एनी ऑफ। तो अगर वन ऑफ की जगह हम एनी ऑफ कर दें तो भी ये सही ही होगा, एनी ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज रॉन्ग, एनी ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज रॉन्ग, इन तीन दोस्तों में से कोई एक गलत है। तो यहां पर फ्रेंड्स इस तरह से अगर हम वन ऑफ की जगह पर एनी ऑफ का यूज करते हैं तो भी उसको गलत नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से हम, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम समझ लें तो काफ़ी हद तक हम जो एरर करते हैं, जो गलतियां करते हैं, हम जान नहीं पाते हैं गलती कहाँ पे हो रही है, हम एरर फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो हम उन चीज़ों से बच सकते हैं या उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं, हम जान सकते, बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये गलतियाँ हो रही हैं। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बेहिचक लिखें, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप मुझे बताएं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर सॉल्व करूँ, ज़रूर हल करूँ, और इसी तरह से ये सिलसिला आगे भी चलता रहे। हम लोग ऐसे ही सीखने का सिलसिला जारी रखेंगे।
तो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्या आप नहीं चाहते कि हम यूं ही देते रहें आपका साथ, तो संकोच किस बात का, छोड़िए आलस और बढ़ाइए अपना हाथ। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमारी इस यात्रा में सहभागी बने। जय हिंद जय भारत। चाहे करना हो अपनी संस्था का प्रचार या फिर दिल में हो किसी मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम का विचार, बुक करें हास्य कवि सम्मेलन एवं दीजिए अपने नज़दीकियों को कवियों की हसाती गुरुदाती कविताओं का स्वस्थ मनोरंजन। संपर्क करें सिविल इलाहाबादी मोबाइल 7398328084 पर एवं अपने क्षेत्र के लिए एक हास्य कवि सम्मेलन शो आज ही बुक करें।